जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, वो कौन लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, वो कौन लोग हैं जो आपकी उन्नति से जलते हैं और आपकी उन्नति में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। तो ये जो लोग हैं, आज हम इनसे कैसे डील करें, हम इनसे कैसे बाहर आएँ और हमारा ये कुछ भी अहित नहीं पहुंचाए, मतलब और शत्रु हमें कभी हानि ना पहुंचा पाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और वो लोग कौन हैं, क्या है उनके, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। पर ये जो वीडियो है दोस्तों, ये बहुत यूनिक है उन लोगों के लिए भी जो लोगों के मन में एक अज्ञात डर बना रहता है कि कोई हमारा कुछ बुरा ना कर दे, या हमारा भविष्य की जो सिक्योरिटी होती है, जो सुरक्षा होती है, उसमें कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं तकलीफ ना डाल दे। कई बार पार्टनरशिप होती है लोगों की, तो ये सभी चीज़ों में जो डर है बना हुआ, इसके भी आपको इस वीडियो में जवाब मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। अगर आप पूरा और अंत तक देखना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखें, अधूरा ना देखें, तो बाद में आप मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमें ये बात समझ ना आए। तो फिर छोटा सा निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम एक आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर लें, वो इसलिए लाइक कर दें ताकि आपको अच्छे कंटेंट हमेशा मिलते रहें। दूसरी बात है कि अपने अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, बाकायदा आप मुझे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका फीस और शुल्क लागू है। दोस्तों, अब हम आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहली बात कि जब भी कोई व्यक्ति हमारा अहित या बुरा चाहता है तो दो तरह के बुराइयाँ होती है। कुछ शत्रु तो हमें, 10 शत्रु तो हमें पता होता है कि ये हमारे दुश्मन है या ये हमारी शत्रुता है, लेकिन कुछ 10 मोर्चे हमें पता है कि हमें लड़ना है, लेकिन 90 ऐसे मोर्चे जहाँ हमें पता ही नहीं कि जहाँ हमें वहाँ भी लड़ना है। तो सबसे मुख्यतः बात यह है कि कुछ भी अपने मन के अंदर की बात जो हमारी प्लानिंग है, कि कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि प्लानिंग जो है वही शत्रुता को जन्म देती है, क्योंकि आपकी उन्नति का रोड मैप है वो, और इससे कई बार चीज़ें तकलीफ में आ जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत से लोगों को ऑड सी लगेगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि कभी भी अपने मन में जो बात है, जो अपनी गोपनीय बातें हैं या किसी के बीच की बातें हैं, वो कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। इसे आप दूसरे वर्जन में ये समझ सकते हैं, तो आपकी कभी किसी से शत्रुता नहीं होगी और कभी भी जीवन में आपके अहित नहीं होगी। दूसरी बात है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये ऐसा कर देंगे, मन में एक वहम और डर बन जाता है, उन लोगों के लिए मैं ये कह देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपका कभी भी अहित नहीं कर सकता। अगर आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप अपने भोलेनाथ, अपने इष्ट के ऊपर आपको पूर्ण यकीन और श्रद्धा है, तो कभी भी कोई भी व्यक्ति आपका गलत और कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये मजाक में इस बात को बिल्कुल भी मत लेना और हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि गुरु जो है, इष्ट जो है, वो हमें सभी तरह की चीज़ों से बचाता है। चौथी बात है कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और लोगों की कही सुनी बातों में अपने निर्णय न लें और उस बात को सत्य मानकर कुछ भी रिएक्ट न करें, क्योंकि कुछ लोग भिड़ाने के लिए, कुछ लोग लड़ाई लगाने के लिए होते हैं, उनकी टेंडेंसी ऐसी होती है, तो उस पर ध्यान आप जरूर दें, उन चीज़ों को गंभीरता से समझें। और पांचवी बात है कि जब भी किसी से तनाव की स्थिति बने तो बैठकर बात करें, ताकि आपको दोनों पक्षों को सही चीज़ें समझ आ जाए। अधिकतर केसों में तो सही चीज़ें समझ ही नहीं हो पाती उन्हें कि सच सच था क्या और हम दोनों लड़ रहे थे। अच्छा लगो लाइक करें। ओम नमः शिवाय।